अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं भैंसों की नहाया नहाया करवा रही हूँ, उनको नहला रही हूँ। मुझे आता तो नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे। आप भी मेरा साथ दें और आए देखें कैसे नहला जाता। सजाद भाई, भैंस ले आओ। ये हमारे सजाद भाई थोड़े से फनी है, आइए देखते हैं क्या करते हैं। अच्छी तरह से नहलाना। हाँ हाँ, अच्छे से नहलाऊंगी, पहले आपको ना नहलाऊंगी। उसे पकड़ के रखो, रखो। अरे बाबा रुक गया ना। इधर डालो, इधर डालो। बाबा क्या हो रहा है? मैंने कहा चलो थोड़ा सा भी ठंडे हो जाए। चलो भाई भैंस चले गए आज। जी फ्रेंड, कैसा लगा आपको? जी तो फ्रेंड, अब हम दूसरी भैंस वो सजाद भाई लेने गए, अभी तक नहीं आए। सजाद भाई आ भी जाओ, देखें अभी कब से क्या हो गया, अभी तक नहीं आया। आते आते भी पूरे 10 से 15 मिनट लगाते हैं सजाद भाई, कोई भी काम नहीं। चले चले चले, आप काम करें, काम करें। चले चले, अच्छी तरह से नहलाए। किरण अच्छी तरह से नहलाना इनको। जी जी सजाद भाई, आप अच्छे से करो। सजाद भाई ये कब ली थी? ये तकरीबन इसको 10 महीने हो गया ली थी मैंने। इसका बच्चा सच्चा है? सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। दूध कितना देती है? दूध देती है 12 किलो। माशाल्लाह, क्या बात है। आप करते हैं या घर में इस्तेमाल होता है? घर में इस्तेमाल करता हूँ, दोस्त आते हैं, जितने फ्रेंड हैं सब आते हैं, उनको देता हूँ, खुद लेता हूँ और किसी को नहीं देता, बेचता नहीं हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, आप ले दें। जी फ्रेंड, ये सजाद भाई थे, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं गांव के। हम आए हैं, हमारी पूरी टीम को इन्होंने बहुत इज्जत दी है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ अंदर लेके आए हैं। इनके घर से हमारे लिए चाय पानी नाश्ता सब आए, इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की है। ये गांव के जो लोग होते हैं बहुत ही मुखलिस और बहुत ही अच्छे होते हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरह वो हमारे साथ मिलके ये काम में हेल्प कर रहे हैं। उनके ऊपर मैंने पानी भी डाला, लेकिन नो डाउट उन्होंने बिल्कुल मायर नहीं किया, बहुत अच्छे। ये देखो, ये 2 लाख की दी थी मैंने। बस क्या बात है भाई, चलिए इसमें पानी डाल। अच्छा अच्छा, अच्छी तरह से नहलाओ इसको। सजाद भाई बहुत जल्दी से भैंस ले आए हैं। कितने के लिए थे सजाद भाई? 2 लाख की। सजाद भाई एक बात तो बताएं, इनके रेट में क्यों फर्क होता है? दूध जब जिसका ज्यादा होता है रेट भी ज्यादा होता है। इनकी वो कोई नस्ल वस्ल भी होती है? नस्ल होती है, ये चीचा वतनी की है। अच्छा, इसके पीछे भी बच्चा है? इसका बच्चा है, ये 17 किलो दूध देती है। एक टाइम का या दो टाइम का? दो टाइम का। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनका दूध ज्यादा होता है, उनका रेट भी ज्यादा होता है। ये चीचा वतनी की नस्ल से लिया था। अच्छा, अब नहीं जाएगी साहब, इसको अच्छी तरह से नहलाओ, क्योंकि 2 लाख लगाए इसीलिए रुकी है। वो घाट कीमत में थी तो उसका मोल भी कम था तो भाग गई थी ना, ये नहीं जाएगी अब, इसको अच्छी तरह से नहलाओ। चलो ठीक है सजाद भाई, हम आपकी ये फरमाइश भी पूरी कर देते हैं, अच्छे से इनको नहला देते हैं। काफी मजे से खड़ी है ये तो। जी बाकी क्यों भाग गई हैं? उनका रेट कम था, इसीलिए चली हैं, इनके बहुत रेट ज्यादा ना, इसीलिए ये खड़ी हुई है। अच्छा, अच्छी भैंस है, हाँ दूध भी ज्यादा देती है। जी तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप हमारे चैनल सावल गोल्ड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट्स देना ना भूलिएगा। फिर से हाज़िर होंगी एक नई वीडियो, एक नई लोकेशन और एक नई देहात में, एक नई जगह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।